हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई मैं हूं सत्यम सिंह और मैं आपके लिए लेकर आया हूं खास वीडियो। सो भाई, एनाटॉमी के ऊपर एक वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, बोन के ऊपर। सो हमारा टॉपिक जो रहने वाला है आज, वो रहने वाला है स्केलेटल सिस्टम के अंदर बोन्स। सो भाई, उसके बारे में हम बात करते हैं। बहुत ही शॉर्ट पॉइंटर्स हैं हमारे पास, बस उससे हम क्वेश्चन को जो बनाएंगे। कुल टोटल हमारी 206 बोन्स होती हैं जब हम एडल्ट हो जाते हैं। जन्म के समय बच्चे में 306 बोन होती हैं, जो बाद में कहाँ चली जाती हैं, वो सब जो है मिलती चली जाती हैं। और बोन शरीर का टोटल जो है 14% बनाती हैं टोटल, यानी ओवरऑल बॉडी का जो 14% होता है वो बोन के रूप में हमारा पार्ट होता है बॉडी का। और मसल्स जो हमारी बॉडी में 40% मास बनाती हैं। सो टोटल जो है 40% जो वेट होता है हमारा वो मसल्स का होता है। स्टडी ऑफ बोन कहलाती है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी कहते हैं भाई, बोन की कोशिका जो बोन डेवलप करती है वो उसको ऑस्टियोसाइट कहते हैं भाई। आप दोनों को इजीली याद कर सकते हैं, ऑस्टियो से शुरुआत होती है इसकी। ऑस्टियो मतलब बोन और लॉजी मतलब अध्ययन, यानी बोन्स का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। और बोन की जो कोशिका होती है ऑस्टियोसाइट होती है। बोन्स को बनाने वाली कोशिका कौन कौन सी होती हैं? सो भाई, ये होती हैं ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट ये तो कोशिका होती है और ये जो उसको डेवलप करती है, यानी ऑस्टियोब्लास्ट। और बोन को जो नष्ट करती है वो कौन सी होती है? ऑस्टियोक्लास्ट। देखो ये दोनों में डिफरेंस है, ऑस्टियोब्लास्ट और जो मतलब उसको नष्ट करती है ऑस्टियोक्लास्ट। अगली कपाल। हमारी टोटल जो बोन्स होती हैं वो कपाल के अंदर 8 होती हैं, क्रेनियम के अंदर, चेहरे के अंदर 14 होती हैं, ईयर बोन्स हमारी 6 होती हैं, 3 इधर 3 इधर, सिर के अंदर 29 बोन्स होती हैं, और जो मेरुदंड होता है हमारी वर्टिब्रल कॉलम उसमें 26 होती हैं भाई, 13 इधर 13 इधर, पसलियों में होती हैं 12 जोड़ी यानी 24। और भाई क्लेविकल, हमारी ये जो क्लेविकल होती है यानी नेक के नीचे वाली जो बोन होती है, जो कॉलर बोन कहलाते हैं जैसे, उसको वो 2 होती हैं, 1 इधर और 1 इधर। और भाई पेक्टोरल गर्डल जो है वो इस तरह से करके, स्कैपुला हमारी शोल्डर बोन होती है जो 2 होती हैं, 1 इधर 1 उधर। और ह्यूमरस हमारी 2 होती हैं, 1 इधर 1 इधर, हैंड बोन होती हैं ये। रेडियस और अल्ना ये 2-2 होती हैं। तो भाई रेडियस 2 इधर और अल्ना, एक रेडियस एक अल्ना एक तरफ और एक रेडियस एक अल्ना दूसरी तरफ हैंड्स के अंदर। और कार्पल्स हमारी 8-8 होती हैं, यानी कि कलाइयों के अंदर जो हमारा कलाई का एरिया होता है वो कार्पल्स वाला एरिया है। और मेटा कार्पल्स हमारी भाई 5 और 5 10 होती हैं टोटल, यानी 5 इधर 5 इधर। अंगुली अस्थियां जो हमारी फैलेंजेस भाई 14 होती हैं, 14 इधर 14 इधर, यानी आपके जो उंगलियों के एक उंगली के अंदर आप देखिए 3 जॉइंट्स होंगे, 3 3 3 3 3 और 2, इस तरह से करके 14 हो गई हैं अभी, 28 टोटल होती हैं। एक हाथ में 14 होती हैं, 3 3 3 3 और अंगूठे में 2। सो पेल्विक गर्डल यानी हिप बोन आपकी, उसमें वो भी 2 होती हैं, 1 इधर और 1 इधर। फीमर जो है वो भी 2 होती हैं, एक इस थाई में होती है, एक इस थाई में होती है। और भाई टिबिया और फिबुला एक एक होती हैं दोनों तरफ, दोनों पैर में, एक टिबिया इधर और एक फिबुला इधर वाले पैर में, एक टिबिया और एक फिबुला इस वाले पैर में, टोटल 4 बोन। पटेला नी कैप को कहते हैं, जो एक इधर होती है एक इधर होती है। टार्सल्स हमारी 7 होती हैं, 7 इधर और 7 इधर। और अंगुली अस्थि जो होती हैं फैलेंजेस, वो 14 मैंने अभी आपको बताया था, 14 इधर 14 इधर, ऐसी पैर में हमारे 3-3 जॉइंट्स की, एक उंगली में 3 जॉइंट्स होते हैं। स्टर्नम यानी जो हमारी चेस्ट बोन होती है उसको 1 वो हमारी होती है। सो भाई ये कुल मिला के जो है हमारी टोटल इस तरह से कुल बोन्स हैं, और ये पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई हैं। टोटल 206 बोन्स होती है हमारी, और कुल मिला करके इस तरह से हमारा कुछ आकार होता है। सो भाई बोन्स के ऊपर बहुत ही सुंदर सा हमने बनाया था, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। नेट JRF से संबंधित इस तरह के लेक्चर्स मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। इस तरह का आपको एनाटॉमी में बहुत हेल्प करेगा ये छोटे छोटे लेक्चर्स मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। ये आपके लिए नेट JRF में बहुत कारगर साबित होगा और आपकी जो एनाटॉमिकल नॉलेज है उसको काफ़ी इम्प्रूव करेगा। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।